mermaids, welcome to my channel. Thank you for clicking on this video. Today I'm going to review this straightener. आप सोच रहे होंगे ये crooked है, लेकिन नहीं, ये angled straightener है and this is from the brand Conair. और video शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये sponsored video नहीं है, इसको मैंने खुद खरीदा है और मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. बहुत से वीडियोस में मैंने अपने बाल स्ट्रेट करे हैं एंड आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन से स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं. सो मैं बहुत टाइम से, एक्चुअली 2 to 3 months हो गए हैं आई थिंक, और मैं इसको यूज कर रही हूँ. ये है फ्रॉम ब्रांड Conair, आई थिंक मैंने बोल दिया है. एंड ये एंगल्ड स्ट्रेटनर है, इसके बारे में मैं आपको पूरा प्रॉपरली बताऊंगी. बट अगर आप न्यू है मेरे चैनल में, आपने पहली बार मुझे देखा है, हेलो, माय नेम इज गिनी, आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू हेयर केयर. सो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी नहीं एंड में, बट लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे. और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी दे सकते हैं, खुली छूट है आपको. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रेटनर. ये एंगुलर हेयर स्ट्रेटनर है एंड दिस इज लाइक एक्चुअली वेरी गुड. मैं आपको पहले ही स्पॉइलर दे रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है, बट इसके बारे में मुझे बहुत बात करनी है. सबसे पहले ये आपका 2 inch फ्लैट आयरन है, तो आप अच्छे से, आपको जितना स्ट्रैंड ग्रैप करके हेयर स्ट्रेट करना है आप उतना कर सकते हैं. एंड ये बहुत ज्यादा इजी है बिकॉज ऑफ दिस 2 inch का बैरल होने के कारण. ऑल्सो इसमें ऑटो सेटिंग है, डैट मीन्स कि आप इसमें कितना टेम्परेचर आपके बालों को चाहिए आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक है आप हीट की सेटिंग जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं. अगर आपके बाल थिन या फाइन है आप हीट की सेटिंग जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं. तो आपके हेयर के हिसाब से आप इसका हीट चेंज कर सकते हैं. बहुत से स्ट्रेटनर में ऐसा नहीं होता, एक ही सेटिंग रहती है एंड आपके बाल थिन हो या थिक हो आपको उसी सेटिंग में करना होता है. तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है. प्लस इसमें टर्बो ऑन ऑफ भी है एंड ऑल्सो ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है. सो मैं प्लग इन करके अपने बालों में जब तक हीट प्रोटेक्टिंग लगाती हूँ ये हीटअप हो चुका होता है. सो इट हैज अ कूल टिप, सो आप बहुत इजिली इसके एंड पे भी पकड़ के आप अपने बाल स्ट्रेट कर सकते हैं. लेट्स गो टू द बैक एंड देन आई टॉक फर्दर. Alright, so this is my hair's natural texture. मेरे बाल wavy and little bit of frizzy हैं. But आप कोई भी heating tool use करें उसके पहले मैं highly recommend करूंगी कि आप heat protectant जरूर use करें, otherwise आपके बाल जो है वो damage हो जाएंगे. So please make sure कि आप heat protectant जरूर use कर रहे हैं अपने बालों में. After using heat protectant, आप 5 seconds दीजिए कि वो अच्छे से आपके बालों में सेटल हो जाए. मैं क्या करती हूँ, मैं एक हल्का सा कॉम कर लेती हूँ ताकि अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए हीट प्रोटेक्टेंट. सो या अगर आप हीट प्रोटेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो तुरंत हीटिंग टूल यूज करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा. 4 to 5 seconds दीजिएगा ताकि 4 to 5 seconds दीजिएगा ताकि वो अच्छे से आपके बालों में सेटल हो जाए. अगर आप ब्रशिंग एक बार कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा, वो अच्छे से आपके बालों में स्प्रेड हो जाएगा. सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने अपना हीटिंग टूल जो है वो ऑन कर दिया है. इसको जैसा कि मैंने कहा सिर्फ 30 seconds लगते हैं वॉर्म होने में. ऑलराइट, लेट स्टार्ट. एंड हेयर स्ट्रेट करने का कोई ट्रिक नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप जैसे करते हैं आप वैसे करिए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे करिए. बहुत से लोग 4 sections कर लेते हैं बालों का एंड देन फिर वो स्ट्रेट करते हैं, विच इज गुड. बट मैं ऐसे ही बस 2 sections करके और फिर स्ट्रेट करती हूँ. मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्ट्रेटनिंग में. मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा आर्क पे है. सो आई डोंट नो व्हाई मैं अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ तो मेरे रिस्ट में पेन नहीं होता. आदत नहीं है कि मैं वीडियो बनाते बनाते बाल स्ट्रेट करूं. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मिरर के सामने खड़े होकर करती हूं तो मुझे थोड़ा सा एंगल समझने में प्रॉब्लम हो रही है. मिरर में क्या है कि आप सामने देख रहे होते हो, ऐसे मुझे देखना पड़ता है कि कितने स्ट्रैंड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ. सो थोड़ा सा ऐसे करने में प्रॉब्लम है, बट इट्स ओके.
इस स्ट्रेटनर के थ्रू मेरे बाल बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं, टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि आई थिंक आप अपने क्योंकि बालों के हिसाब से कितनी आपको हीट चाहिए आप वो सेट कर सकते हैं, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छे से हीट हो जाता है, बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाता है। साइड हो गया है, अभी मुझे अगर कुछ लगेगा कि कुछ स्ट्रैंड छूट गए हैं मैं बाद में हल्का सा फिर से कर लूंगी, बट आई डोंट थिंक सो, आई एम लाइकिंग इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इससे बाल स्ट्रेट करती हूँ, हल्की सी शाइन आ जाती है ना। बट लेट्स डू दी अदर हाफ। Alright guys, so this is my hair after straightening. And जब भी मैं इस स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करती हूँ अपने बाल, मेरे बालों में बहुत ज्यादा शाइन आ जाती है। होप कि कैमरा कैप्चर कर रहा हो परफेक्ट शाइन। एंड मेरे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल क्रंची नहीं रहते। और बहुत से ऐसे स्ट्रेटनर है जिससे अगर आप स्ट्रेट करें तो उसको जब आप टच करें तो लगता है थोड़े से क्रंची हो गए हैं या ओके ये स्ट्रेट किया हुआ है, बट अगर इस पर कोई मेरे बाल टच करे तो उसको मोटरबाइक कोई भी मेरे बाल अगर इस पर टच करे कोई नहीं कह सकता कि मैंने अपने बाल स्ट्रेट करे हैं स्ट्रेटनर के थ्रू। सो यस, मुझे बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरी रिस्ट हर्ट नहीं होती है। पहले ऐसा होता था कि मैं जब बाल अपने स्ट्रेट कर रही होती थी एट द एंड ऑफ द डे मेरी रिस्ट हर्ट करने लगती थी और प्रॉब्लम थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक एंगल थिंग मेरी रिस्ट बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती। ओ माई गॉड, आई एम कीप टचिंग माई हेयर, आप में से कुछ लोगों को बॉदर कर रहा होगा, बट आई लव दिस स्ट्रेटनर। सो जैसा कि मैंने कहा, मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बहुत अच्छा है। एंड अगर आप ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रैंड लेके स्ट्रेट करना चाहते हैं और ज़्यादा ये टाइम आपका सेव करेगा, सो या मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। मैंने कई बार इससे अपने बाल स्ट्रेट करे हैं, सो इसलिए मैं आपको ये रिव्यू प्रॉपर वाला दे पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार किया है और मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। सो यस, आई विल हाईली रिकमेंड। ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय एंड कीप ग्रोइंग योर हेयर। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with